रमजान में जहां कहीं कोरोना बढ़ेगा तो लॉकडाउन लगेगा। सहरी के बाद से शाम 6 बजे तक मार्केटों के निजाम औकात मुकर्रर। एनसीओसी के रमजान एसओपी जारी। इफ्तार के बाद से रात 12 बजे तक होटल्स, फूड पॉइंट्स के डाइनिंग हॉल्स खुले रहेंगे। सहरी में सिर्फ टेक अवे सर्विस चलेगी। हफ्ता और एतवार सेफ डे करार। बैनो सुबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। रेल सर्विस 70% मुसाफिरों के साथ ऑपरेशनल होगी। खेलों की सरगर्मियां, सकाफी प्रोग्राम्स बदस्तूर मौतल। मजारात, दरबारों में जारीन का दाखला ममनू। सिनेमाज और थिएटर भी बंद। इलामिया जारी। मजहबी जमात के एहतजाज। कराची की तमाम बंद शाहराहें खुल गईं। हब रिवर रोड भी खोल दिया गया। इस्लामाबाद के मरी रोड, जीटी रोड, पेशावर तरनौल फाटक और रबाटी क्रॉस चौक पर भी ट्रैफिक बहाल। रावलपिंडी की गुजरगाहें जुजवी तौर पर बंद। लाहौर में 13 मकामात पर आमदोरफ्त बदस्तूर मौतल। सिंध हाईकोर्ट में मर्दमशुमारी से मुतालिक दरखास्तों पर समाप्त। बैनल सुबाई राबिता कौंसिल ने पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत जमा करा दी। अदालत ने नोटिफिकेशन जारी न होने पर बरहम नोटिफिकेशन के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दे दी। आलमी तेल मार्केट में 68 सेंट्स का इजाफा। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत 60.87 डॉलर पर पहुंच गई। लंदन ब्रेंट ऑयल की कीमत भी 71 सेंट बढ़ गई। फी बैरल नर्ख 64.42 डॉलर हो गए। रमजान रिलीफ पैकेज देखता जा शर्माता जा। मुल्तान के सस्ते बाजारों में सख्त गर्मी में तवील कतारें। 10 किलो आटा और 2 किलो चीनी के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त। शहरियों को अशिया के मयार पर तहफात। तवील इंतजार पर इंसामात बेकार करार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाप्त। दलाल मुकम्मल होने के बाद फैसला आज ही मुतवक्के। लाहौर हाईकोर्ट ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत भी सुनेगी। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के केस की समाप्त। लीकी एमएनए जावेद लतीफ गैर हाजिर। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पेश। जमानत में 27 अप्रैल तक तौसी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने किडनी हिल केस में फर्दे जुर्म एक बार फिर मौखर। सेनेटर सलीम मांगने वाला ने रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त दे दी। शिमाली इलाका जात में मौसमियाती तब्दीलियां। गिलगित बल्तिस्तान में तेजी से पिघलते ग्लेशियर लम्हा प्रक्रिया। मकामी आबादी ने पानी जखीरा करने के लिए बर्फ के मस्नूई पहाड़ बनाने लगे। मस्नूई ग्लेशियर मुस्तकबिल में बंजर जमीनों की आबादकारी में भी इस्तेमाल होंगे। बलाई शहरों में अब्रे रहमत बरसने को तैयार। मैदानी इलाका गर्म मौसम की आजमाइश का शिकार। कराची, हैदराबाद, जखर, नवाबशाह, सिप्पी, बहावलपुर, साहिवाल में पारा 38-44 डिग्री रहेगा। शिमाली बलूचिस्तान, बलाई पंजाब, केपीके, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। रमजान में जहां कहीं कोरोना बढ़ेगा तो लॉकडाउन लगेगा। सहरी के बाद से शाम 6 बजे तक मार्केटों के निजाम औकात मुकर्रर। एनसीओसी के रमजान एसओपी जारी। इफ्तार के बाद से रात 12 बजे तक होटल्स, फूड पॉइंट्स के डाइनिंग हॉल्स खुले रहेंगे। सहरी में सिर्फ टेक अवे सर्विस चलेगी। हफ्ता और एतवार सेफ डे करार। बैनो सुबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। रेल सर्विस 70% मुसाफिरों के साथ ऑपरेशनल होगी। खेलों की सरगर्मियां, सकाफी प्रोग्राम्स बदस्तूर मौतल। मजारात, दरबारों में जारीन का दाखला ममनू। सिनेमाज और थिएटर भी बंद। इलामिया जारी। मजहबी जमात के एहतजाज। कराची की तमाम बंद शाहराहें खुल गईं। हब रिवर रोड भी खोल दिया गया। इस्लामाबाद के मरी रोड, जीटी रोड, पेशावर तरनौल फाटक और
रबाटी क्रॉस चौक पर भी ट्रैफिक बहाल। रावलपिंडी की गुजरगाहें जुजवी तौर पर बंद। लाहौर में 13 मकामात पर आमदोरफ्त बदस्तूर मौतल। सिंध हाईकोर्ट में मर्दमशुमारी से मुतालिक दरखास्तों पर समाप्त। बैन-अल-सूबाई राबिता कौंसिल ने पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत जमा करा दी। अदालत ने नोटिफिकेशन जारी न होने पर बरहम नोटिफिकेशन के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दे दी। आलमी तेल मार्केट में 68 सेंट्स का इजाफा। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत 60.87 डॉलर पर पहुंच गई। लंदन ब्रेंट ऑयल की कीमत भी 71 सेंट बढ़ गई। फी बैरल नर्ख 64.42 डॉलर हो गए। रमजान रिलीफ पैकेज देखता जा शर्माता जा। मुल्तान के सस्ते बाजारों में सख्त गर्मी में तवील कतारें। 10 किलो आटा और 2 किलो चीनी के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त। शहरियों को अशिया के मयार पर तहफात। तवील इंतजार पर इंसामात बेकार करार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाप्त। दलाल मुकम्मल होने के बाद फैसला आज ही मुतवक्के। लाहौर हाईकोर्ट ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत भी सुनेगी। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के केस की समाअत ली की एमएनए जावेद लतीफ गैर हाजिर। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पेश। जमानत में 27 अप्रैल तक तौसी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में किडनी हिल केस में फर्द जुर्म एक बार फिर मुखर। सेनेटर सलीम मांगने वाला ने रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त दे दी। शिमाली इलाका जात में मौसमियाती तब्दीलियां। गिलगित बल्तिस्तान में तेजी से पिघलते ग्लेशियर लम्हा प्रक्रिया। मकामी आबादी ने पानी जखीरा करने के लिए बर्फ के मस्नूई पहाड़ बनाने लगे। मस्नूई ग्लेशियर मुस्तकबिल में बंजर जमीनों की आबादकारी में भी इस्तेमाल होंगे। बलाई शहरों में अब्रे रहमत बरसने को तैयार। मैदानी इलाका गर्म मौसम की आजमाइश का शिकार। कराची हैदराबाद सखर नवाबशाह सिप्पी बहावलपुर साहिवाल में पारा 38-44 डिग्री रहेगा। शिमाली बलूचिस्तान बलाई पंजाब केपीके इस्लामाबाद गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। मुफस्सिर कुरान मुफक्किर इस्लाम फसीओ बलीग मुबल्लिग और नाबिगाए रोजगार शख्सियत डॉक्टर इसरार अहमद की आज 11वीं बरसी। पाकिस्तान भारत बांग्लादेश मशरक वस्ता यूरोप अमरीका समेत दुनिया भर में अकीदतमंद मौजूद। और जन्नत का मेवा खजूर सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। और आज आगाज इफ्तार भी। खैरपुर की लासानी मिठास वाली खजूर दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान। भारत अमरीका बरतानिया को हजारों टन सालाना बरामद मकबूलियत की दलील।